हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है प्रमोशन मिक्स। इससे पहले हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में हमने पढ़ा और प्लेस मिक्स के बारे में पढ़ा, प्राइस मिक्स के बारे में पढ़ा। आज हम प्रमोशन मिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन मिक्स का यहाँ पे मतलब है जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रमोशन के लिए किए जाते हैं वो हमारे प्रमोशन मिक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? प्रमोशन का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, यानी उसके होने की जानकारी अपने कस्टमर्स तक पहुँचाना कि इस नाम का प्रोडक्ट या इस कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट अब मार्केट में अवेलेबल होगा, आप उसको यूज़ करें, ठीक है? उसे प्रमोट करना ही प्रमोशन मिक्स में आता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जो कि प्रमोशन मिक्स के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया हम चूज़ करेंगे, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के एडवर्टीजमेंट के लिए हम कौन सा मीडिया चूज़ करेंगे, कौन सी प्रमोशनल टेक्निक्स को अपनाएंगे और पब्लिक रिलेशंस कैसे बनेंगे, है ना? ये सारी चीज़ें हमारी प्रमोशन मिक्स में आती हैं। कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग मीडिया, प्रमोशनल टेक्निक्स, पब्लिक रिलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? तो प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, ठीक है? आज हम लोग एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो एडवर्टाइजिंग क्या है गाइज? Advertising can be defined as the paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods or services given by the producer or marketer or by an identified sponsor. ठीक है, इसके बारे में हम धीरे धीरे अभी आगे देखेंगे कि paid form क्या है, non-personal presentation क्या है, ठीक है? ये यहाँ पे क्या होता है कि एक साधारण सा मैसेज अपने कस्टमर को दिया जाता है प्रोडक्ट के मेरिट के बारे में, प्राइस के बारे में और उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, ठीक है? क्या किया जाता है? बताया जाता है कि उसकी खासियत कौन कौन सी है, उसका दाम कितना है और उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में एडवर्टाइजिंग में बताया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है, यानी प्रचार किया जाता है, ठीक है? तो पहली बात, ये क्या होता है? पेड फॉर्म होता है। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म, ठीक है? पेड फॉर्म यानी कि जो भी स्पॉन्सर होता है प्रोडक्ट का, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है, जो कि प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, वो उसको क्या करना पड़ता है? अपने एडवर्टीजमेंट के लिए पे करना पड़ता है। जो भी उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, उनका प्रचार करेगा उनके प्रोडक्ट का, वो उसको पे करेंगे, ठीक है? उसकी फीस वो उसको देंगे, इसलिए क्या है, ये पेड फॉर्म है। इम्पर्सनैलिटी, इम्पर्सनैलिटी में क्या है कि इट इज़ अ मोनोलॉग, इट इज़ नॉट अ डायलॉग, यानी कि यहाँ पे मोनोलॉग है, एक ही तरफ से बात कही जाती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, ठीक है? अगर मैं किसी चीज़ का प्रमोशन करूँ, एडवर्टीजमेंट करूँ, तो ये मोनोलॉग होगा, ठीक है? यहाँ पे आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है? आप लोग यहाँ पे बोल नहीं रहे हैं, तो ये मोनोलॉग है। देयर इज़ नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड एडवर्टाइजर, यानी कि कोई भी वहाँ पे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है कस्टमर और एडवर्टाइजर के बीच में, यानी वो पर्सन जो एडवर्टाइज कर रहा है। फिर आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, यानी कि एडवर्टाइजमेंट इज गिवन बाय एन आइडेंटिफाइड कंपनी, फर्म और एन इंडिविजुअल। एडवर्टीजमेंट हमेशा ऐसे इंसान के द्वारा या ऐसी कंपनी के द्वारा की करवाया जाता है जो कि आइडेंटिफाइड होती है, जिन्हें लोग जानते हैं, ठीक है? जिन्हें लोग जानते हैं उन्हीं की बात मानते भी हैं। फिर फीचर्स क्या होते हैं एडवर्टाइजिंग के, मेरिट्स क्या होते हैं, ठीक है? रीच, सबसे पहली बात, एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, रीचनेस बढ़ती है। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकता है। दूसरी होती है चॉइस, ठीक है? फिर होती है लेजिटिमेसी, एक्सप्रेसिवनेस, यानी कि एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? इकोनॉमी, सस्ता पड़ता है। हम ज़्यादा हर एक पर्सन के पास अगर जाएंगे तो हमें ज़्यादा खर्चा बैठेगा, लेकिन वहीं पे अगर हम किसी बड़े लेवल पे एडवर्टाइज करवा देंगे तो वो एक तरीके से हमें सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हम ज़्यादा एरिया को हम
कैप्चर कर सकते हैं. ठीक है, इन्हेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस. एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं. ठीक है, उन्हें ये लगता है कि हाँ ये अगर इसका अच्छा एडवर्टीजमेंट है तो हम इसे लें. ठीक है, एक अट्रैक्ट होते हैं कस्टमर अगर उसका एडवर्टीजमेंट अच्छा देख लेते हैं तो. ठीक है, डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं? इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ये पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता, पर्सनली नहीं किया जाता है. ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये लेस फोर्सफुल है. एडवर्टाइजिंग इज लेस इफेक्टिव, इफेक्टिव कम होती है. मीडिया की चॉइस करने में डिफ़िकल्टी जाती है. फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी, एक बार अगर कोई एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो जाता है, अगर वो टीवी पे आने लगा या रेडियो पे चला गया, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो तुरंत तुरंत. अगर वो पब्लिश हो गया तो पब्लिश होने के बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, लैक ऑफ फीडबैक, आप अगर वहाँ पे वो तो बोल करके निकल गया लेकिन वहाँ पे कस्टमर थोड़ी आएगा. ठीक है, कस्टमर वहाँ पे नहीं पहुँच सकता है उस टाइम, तो फीडबैक तुरंत पाना बहुत मुश्किल है. जब वो प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे उसके बाद में वो क्या कर पाएंगे, फीडबैक दे पाएंगे. ठीक है, फिर हमने क्या क्या देख लिया, एडवर्टाइजिंग क्या है, कैसी है और उसके फीचर्स क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स. ठीक है, फिर आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है एडवर्टाइजिंग का. ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अटेंशन सीख कर पाए कस्टमर की, सेल एंड प्रॉफिट को बढ़ा पाए और प्रॉम्प्टिंग इमीडिएट एक्शन. कोई भी अगर उन्हें एक्शन लेना है, इमीडिएट एक्शन लेना है, तो वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर सकते हैं. जैसे कोई अगर बिग बाज़ार है, ठीक है, बिग बाज़ार को कोई मतलब अगर क्या करना है, कोई एक्शन लेना है, मान लो उन्हें ऑफर प्रोवाइड करना है, तो वो क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बता देंगे. जैसे इंडिपेंडेंस सेल हो गई, रक्षाबंधन सेल हो गई, ठीक है, ऐसे वो क्या करेंगे, ऑफर दे देंगे. कूपन्स की डेडलाइन का वो बता देंगे कि ये कूपन इतने दिनों तक मिलेगा. ठीक है, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड की अवेयरनेस को बिल्डअप करना इनका ऑब्जेक्टिव रहता है. हाईलाइट द यूनिकनेस ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट ओवर कॉम्पिटिटर्स. जैसे कि क्या होता है कि कई बार कंपनी ये बताती है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे यूनिक है, कैसे अलग है हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से. ठीक है, जैसे पतंजलि क्या बताती है कि दूसरे दूसरे जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उनमें क्या है, केमिकल है. ठीक है, क्या उसमें बोलता है ना कि सुंदरता को खराब कर दिया है केमिकल वाली क्रीम ने, तो यही चीज है, बताता है कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, एकदम आयुर्वेदिक है, नेचुरल है. ठीक है, तो वो क्या बता रहे हैं, यूनिकनेस बताते हैं, वो हाईलाइट करते हैं उस अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस को. ठीक है, फिर क्या होता है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं कि अटेंशन को पाना, सेल प्रॉफिट को बढ़ाना, इमीडिएट एक्शन ले पाना, ब्रांड की अवेयरनेस बिल्डअप करना, यूनिकनेस को बताना कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बेहतर है दूसरे के प्रोडक्ट से. और फिर आ जाता है हमारा कि कौन कौन से मीडिया, मेजर मीडिया एडवर्टीजमेंट के लिए चूज़ किए जाते हैं. पहला है हमारा ब्रॉडकास्ट. ब्रॉडकास्ट दो तरीक़ों से होता है, पहला होता है रेडियो के थ्रू और दूसरा होता है टेलीविज़न के थ्रू. ठीक है, इनमें बड़े लेवल पे एडवर्टीजमेंट पॉसिबल होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि रेडियो भी सब सुनते हैं, ठीक है, और टीवी आजकल सब लोग देखते हैं, तो ये एक बड़े लेवल पे क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है इन दो चीज़ों के थ्रू. फिर होता है प्रिंट. प्रिंट में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में छोटे 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 एड्स दिए रहते हैं, लास्ट वाला पेज तो पूरा एड से ही भरा रहता है, तो वो कौन सा फॉर्म होता है, प्रिंट, प्रिंट फॉर्म ऑफ मीडिया होता है. ठीक है, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में. फिर होता है आउटडोर. आउटडोर में पहला आ जाता है हमारा बिलबोर्ड. बिलबोर्ड्स कहाँ लगे होते हैं, मोस्टली ये ट्रैफिक एरिया साइड लगे रहते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स बैनर्स लगे रहते हैं, जिसमें क्या होता है, एडवर्टीजमेंट जिस भी प्रोडक्ट का या किसी भी चीज़ का, सर्विस का या सीरियल्स का या जो भी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट होता है वहाँ पे लगा दिया जाता है. पेंटेड बुलेटिन्स क्या होता है, पेंट कर दिया जाता है जो भी
अवेयरनेस उन्हें देनी है अपने बारे में कंपनीज को, वो क्या करते हैं, पेंटेड बुलेटिन्स का यूज़ करते हैं, डिस्प्लेज लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स लगते हैं जिसमें कि पूरी स्लाइड्स चलती रहती हैं और हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मीडिया कौन सा होता है, ऑनलाइन मीडिया आउटडोर को हम ये भी कह सकते हैं, आउट ऑफ होम, आउट ऑफ होम, जब कस्टमर क्या होता है घर से बाहर रहता है, ठीक है, तो घर से बाहर रहता है तो वो इन सारी चीज़ों को देखता है, इसलिए कंपनीज क्या करती है कि इनके थ्रू आउटडोर मीडिया के थ्रू अपने कस्टमर को टारगेट करती है, फोकस करती है उन पे कि एडवर्टीजमेंट उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज का किया जाए। फिर है ऑनलाइन, ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट आजकल सब यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं, और कोई भी जैसे ऐप होता है हम लोग उसे क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसके नोटिफिकेशंस वगैरह अगर कैसे आते हैं, मेल के थ्रू आते हैं, जैसे अमेज़न हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, ये शुरू में ही मेल हमसे मांगते हैं, ठीक है। फिर कोई भी प्रोडक्ट आता है अगर उसमें, तो हमारे जैसे कोई भी सेल आ गया कि आज के दिन इतने परसेंट की सेल है, फ्राइडे सेल, सैटरडे सेल, संडे सेल, तो इन सब का मेल ईमेल आ जाता है हमें, ठीक है। तो मेल के थ्रू, और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं, कई सारी कंपनीज हैं जो ईमेल के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करती है, उसका एडवर्टीजमेंट भी करती है। फिर अदर एडवर्टाइजिंग मीडियाज़ कौन कौन से हैं, पहला है हमारा ट्रांजिट, ट्रांजिट जो होते हैं जो कि बसेस में, कार में, टैक्सी में दिखाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इंडोर भी होते हैं और आउटडोर भी हो सकते हैं। इंडोर कैसे हो सकते हैं कि इंडोर जैसे बस में अगर हम बैठे वहाँ पे एलसीडी स्क्रीन्स लगी रहती हैं, उनमें एडवर्टीजमेंट आता रहता है। आउटडोर यानी कि पूरी बस की जो साइड साइड जो बाहर से हमें दिखती है, विंडो वाला पोर्शन और पीछे का पोर्शन, उसमें क्या आजकल क्या करवा दिया जाता है कि पेंट करवा दिया जाता है, जो भी एडवर्टीजमेंट उन्हें करना है, ठीक है। मूवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट होता है, येलो येलो पेजेस जो पैम्पलेट वगैरह दिए जाते हैं उनमें एडवर्टीजमेंट, जैसे डांस क्लास का है, जैसे हम लोग कॉलेज से बाहर निकलते हैं कि कोचिंग की, कोई कोचिंग अगर नई खुली है उनका एडवर्टीजमेंट हमें मिल जाता है, डांस क्लासेस अगर आई है, या कुकिंग क्लास कोई प्रोवाइड करा रहा है तो वो कैसे प्रोवाइड कराता है, येलो पेजेस पैम्पलेट्स वगैरह पकड़ा देते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये थे हमारे मेजर मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, प्रमोशन मिक्स पढ़ा, प्रमोशन मिक्स में हमने पढ़ा कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, पेड फॉर्म में होता है, ये एक प्रमोशन है गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। उसके फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा कि रीच, चॉइस, लेजिमेसी और एक्सप्रेसिवनेस होती है, इकोनॉमी होती है। डीमेरिट्स के बारे में पढ़ा कि लेस इफेक्टिव होता है, मीडिया को चूज करने में डिफिकल्टी जाती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, फीडबैक नहीं मिलता। फिर हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है, मेजर मीडियाज पढ़ लिए। तो गाइस इसका भी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो उसमें आप देख लेंगे कि क्या क्या है, जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारी सारी चीज़ें पीडीएफ में रहेंगी। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।